महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता राम गोविंद धोखाधड़ी के मामले में पकड़ी गई हैं। इतना ही नहीं, आशीष लता राम गोविंद को 7 साल की सजा भी हो गई है। लता राम गोविंद को धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में दक्षिण अफ्रीका के डरबन की एक अदालत ने 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। उन पर इंडिया से एक कंसाइनमेंट को लाने के लिए इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी को मैनेज करने के नाम पर बिजनेसमैन एसआर महाराज से करीब 3,23,00,000 रुपए ठगने का आरोप था। असल में आशीष लता ने इस कारोबार से होने वाले मुनाफे में हिस्सेदारी देने का वादा किया था, लेकिन दिया नहीं। लता राम गोविंद इला गांधी और दिवंगत मेवा राम गोविंद की बेटी है। डरबन स्पेशलाइज्ड कमर्शियल क्राइम कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। 2015 में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण यानी एनपीए के ब्रिगेडियर हंगवानी मुलौदजी ने कहा कि लता राम गोविंद ने संभावित निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए जाली चालान और दस्तावेज पेश किए थे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत से लिनन के कंटेनर्स भेजे जा रहे हैं। एनपीए की प्रवक्ता नताशा कारा ने सुनवाई के दौरान बताया कि लता राम गोविंद ने कहा था कि उन्हें इंपोर्ट कॉस्ट और कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने के लिए फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और हार्बर बंदरगाह पर सामान क्लियर करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। नताशा कारा ने बताया कि लता ने महाराज को सलाह दी थी कि सामान को क्लियर करवाने के लिए उन्हें 62,00,000 रैंड की जरूरत पड़ेगी। बाद में उन्होंने माल डिलीवर करने और भुगतान के सबूत के तौर पर नेट केयर का चालान महाराज को भेज दिया। कारा ने कहा कि लता राम गोविंद ने नेट केयर के बैंक खाते से लेन देन करने की पुष्टि की थी। राम गोविंद की पारिवारिक साख और नेट केयर के डॉक्यूमेंट्स के कारण महाराज ने कर्ज लेने के लिए उनके साथ लिखित समझौता किया था। हालांकि जब महाराज को दस्तावेज के फर्जी होने का पता चला तो राम गोविंद के साथ कोई समझौता नहीं हुआ और उन्होंने आपराधिक आरोप लगाए। लता राम गोविंद इंटरनेशनल सेंटर फॉर अहिंसा एनजीओ की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक हैं। वे खुद को पर्यावरण, सामाजिक और राजनीतिक हितों पर ध्यान देने वाली कार्यकर्ता बताती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।